एक या दो रन ही बना पाए थे, इस बार देखना है कितने रन करते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है बुमराह की यॉर्कर पर बीट हुए थे और इस बार मिडिल स्टम्पिंग था बार, पहला ही गेंद नहीं दूसरा था, दूसरा गेंद पहला स्पेशियल, और संगीत ने निकाल ली अपनी 27वीं विकेट इंटरनेशनल लेवल की, और देख सकते हैं कि बोल्ड ही किया इनको। एआई का पिछले कुछ दिनों से हालात ये रही है कि वो ओपनर्स उनके सेट ही नहीं हो रहे, जिस मैच में हुए उसमें अच्छा खेला है, लेकिन यहाँ पे मिडिल स्टंप को के होप की होप खत्म लगातार। अगली गेंद खेलने से पहले बहुत ज्यादा वक्त ले लिया इन्होंने, ऑफ स्टंप पे आती हुई गेंद यहाँ पर चला चहल बोल्ड, इस बार इसीलिए जाने जाते हैं, आपको ढकेल रहे हैं उनको बार बार, उनके मन में ऐसा शक डाल दिया कि गेंद में गुगली डालूंगा गुगली डालूंगा गुगली डालूंगा, और एक सीधी गेंद स्टंप्स के अंदर डाल दी थी और वहां पर बोल्ड हुए। इससे पहले गलती की थी, अपनी गलती से सुधरे नहीं, अपनी गलती से समझे नहीं, और फिर बोल्ड होते हुए 28 गेंदों में 37 पारी को एक मुकाम पर नहीं पहुंचा। लास्ट ओवर में एक रन एक विकेट, और यहाँ पर कैरी का मौका, बाउंड्री पर कैच आउट होंगे लॉन्ग ऑन पे, चहल ने लगता है सारा का सारा फॉर्म इस फाइनल के लिए बचा के रखा था, क्योंकि इससे पहले 3-4 मैचों में कोई खास सफलता मिली नहीं थी। मैंने जब उनको गेंदबाजी दी थी तब भी मैंने ये बात रिपीट की थी कि पिछले कुछ मैचों से आउट ऑफ फॉर्म हो गए, लेकिन अब जब जरूरत थी दशहरे का दिन था तो घोड़ा तो दौड़ाया इन्होंने और जबरदस्त दौड़ाया, किंग इस बार बन गया शिखर। आधा मैच हुआ है, 50 उनका हो जाएगा लगभग अगर बढ़ा लिया इस गेंद पर, स्टंप्स ओपन किया है, बोल्ड अगली गेंद पे चहल के नाम पर, दुबई नाम आज के गेंदबाजी में वन मैन परफॉर्मेंस यहां पर निकाल के दिया है चहल ने, इस बार भी बोल्ड किया है, पर पता नहीं क्यों वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हर गेंद पे गुगली की उम्मीद कर रहे हैं। अगर मैं राउंड द विकेट आ रहा हूँ राइट आर्म, अगर मैं लेग स्पिन करा रहा हूँ तो अंदर की तरफ आएगी लेफ्टी के सामने, लुईस भी यही चक्कर में आउट हुए कि वो हारे नहीं है। वेस्ट इंडीज अभी भी यहाँ पर 180 लगा सकता है, मुश्किल है लेकिन लगा सकता है, लीजिए पता नहीं क्या हुआ कैच आउट अगली गेंद पे ललचाया था शमी ने। आप लोगों का शमी का सलेशन बिल्कुल सही जाता हुआ यहाँ पर, मैं पंड्या को लाता या तो फिर मैं जडेजा के साथ जाता, ये दो ऑप्शन में से मैं कोई एक लाने वाला था अगर मेरे पास ऑप्शन होता, लेकिन जब मैंने देखा कि पंड्या शमी के बहुत कमेंट आ रहा है तो शमी के साथ गया। आज इंडियन बॉलिंग लाइनअप एज अ टीम यूनिट खेल रहा है, ये देख के बहुत अच्छा लगा। मैंने एक विकेट निकाला, उसके बाद चहल ने तीन निकाले, शमी ने भी अपना योगदान दिया। भाई ऐसा मत बोलो प्लीज, ये मैं सोच भी नहीं रहा जो आप कह रहे हो ना, मैंने पढ़ लिया कमेंट। लीजिए कैच, एक और कैच, मैंने पहले ही कहा था कि अब यहाँ पर इंडियन टीम है जो यूनिट खेल रही है, पंड्या ने भी अपना योगदान दिया है, पहला विकेट इनका फाइनल में आता हुआ। मैं भी गेंदबाजी करने जल्दी आ रहा हूँ, नहीं तो भाई मुझे मिलने वाली नहीं है विकेट, कि सामने वाली टीम ऑल आउट कर लेंगे सामने गेंदबाज। शमी हमेशा अच्छी बॉलिंग करता है लेकिन आप उसको बॉलिंग नहीं देते भाई, वीडियोज देखो पुराने। प्रवीण जैन यहाँ पर आए, पूरन की बात करें तो 19 गेंदों में 6 मतलब 3 ओवर में इन्होंने 2 की इकोनॉमी से और हिट किया है, फील्डर इंतजार कर रहे हैं और कैरी किया है। जी हाँ, पूरन यहाँ पर आउट हो गए, जो लास्ट ओवर्स में मैं कह रहा था कि शायद 2-3 ओवर में बड़े हिट देखने को मिलेंगे, लेकिन ये पहुंचे ही नहीं है 2 ओवर तक, उससे पहले ही यहाँ पर बड़े हिट के चक्कर में आउट हो गए। मैंने यही रीजन था मेरा कि बुमराह को लाने का, क्योंकि बुमराह ही एकमात्र गेंदबाज है इंडियन टीम में जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर है, बाकी मीडियम पेस इस बार मैं पैरों पे तो नहीं डाला लेकिन थोड़ा दूर रख रहा हूँ, लेकिन स्टंप्स हिट होने ऐसा करना है कुछ। बहुत अच्छा विकेट नंबर 8 इस मैच की, और साथ ही साथ इस मैच का ये दूसरा विकेट हम लोग लेके गए। इंटरेस्टिंग होगा अगर मैं एक और विकेट ले लेता हूँ तो मेरे मैच और मेरे विकेट दोनों बराबर हो जाएंगे। ये टूर्नामेंट की शुरुआत में मैंने ये बात कही थी कि मैं चाहता हूँ ये टूर्नामेंट के अंत में मेरा मैच और विकेट दोनों बराबरी पे आ जाए, लेकिन अब फाइनल का मौका है, शायद बराबरी पे भी आ जाए। बाल बने शिकार आउट हुए, शुरू हो चुका है इसमें, तो मैं क्रिकेट भी शुरू करना है। नहीं चलेगा शर्मा भाई, इंडिया का विकेट गिर चुका है, एक बहुत बड़ी खबर आती हुई इस फाइनल मैच से। शर्मा हिट करना चाहते हैं लॉन्ग ऑन के हिस्से पर, लेकिन एक्चुअली ये कैच आउट हो गए हैं। आयुष्मान चंडेल कह रहे हैं कि शर्मा डर गए, भाई ऐसा नहीं है यार, वो रन रेट बढ़ाना चाहते थे, चिंता कर रहे थे आप लोगों की है। 2 रन लो, आखिरी गेंद पे सिंगल लो, आसानी से सिंगल 100 पूरा करो, फिर दम लगा दो अपने मैच में। मैच को हम चाहें तो अभी 3 गेंदों में 4 गेंदों में खत्म कर सकते हैं, और ये आउट होंगे, धवन आउट है, आउट है, आउट है भाई, दूर से देख गया, और अच्छा हुआ कि हमारी तरफ थ्रो नहीं आया भाई, मैच गया था नहीं तो 100 गया था ब्रो, मैच तो नहीं गया था 100 जरूर गया था यहाँ पे, मैंने तो मैच तो बन गया भाई, मैंने तो सीरीज कौन बनेगा वो देखना होगा। एडिफाइंग गेमिंग कह रहे मैंने तो मैच चहल बनेंगे, अरे यार धवन आउट हो गए, लेकिन बहुत दूर से आउट हुए यार, दिख गया था।
मैंने डाइव का बटन दबा रहा हूँ लेकिन डाइव लगाया नहीं इसने, पता नहीं ग्राउंड के किस, नहीं डाइव लगाया लेकिन बहुत देर से लगाया यार। 100 अब हम कोहली के साथ बनाएंगे, मैं बुमराह को बनाऊंगा।